हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम एनसीईआरटी बायोलॉजी इजी ट्यूटोरियल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस से एक मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़ेंगे जो है इवेपोरेशन। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इवेपोरेशन क्या होता है। ठीक है, इसके लिए एक एक्टिविटी मैं आपको बताऊँगी कि अगर हम पानी में नमक, 2 चम्मच नमक घोल देते हैं। ठीक है, अच्छे से हमने पानी में 2 चम्मच नमक को घोल दिया। ठीक है, तो क्या हम उस पानी में घुले हुए नमक को अलग कर सकते हैं पानी से? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हम नमक घुले हुए पानी में, यानी कि जो सॉल्टी वाटर है, उसको अगर हम गर्म करेंगे, ठीक है, उसको इतना हम देर तक गर्म करेंगे कि वो जो पानी है वो भाप बन करके उड़ जाए, तो लास्ट में क्या होगा, जो नमक है, सॉल्ट है, वो हमारे बीकर के पैंदे पे जमा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो प्रक्रिया थी जिससे हमने पानी में घुले हुए नमक से पानी और नमक को अलग अलग किया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों इवेपोरेशन। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है इवेपोरेशन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इंटू गैस और वेपर बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ द लिक्विड। दिस प्रोसेस इज ऑफन यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट वाटर। ठीक है, तो पानी में घुली हुई कुछ चीज़ों को दूर अलग अलग करने के लिए हम इस मेथड का, इवेपोरेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें नमक कहाँ से मिलता है, नमक कहाँ से आता है हमारे घरों पे? तो ये इवेपोरेशन की प्रोसेस से ही आता है बच्चों। समुद्र में जो पानी है, उस पानी के वाष्पीकरण द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा नमक उससे अलग किया जाता है। ठीक है, तो वो नमक प्राप्त करने की जो विधि है वो इवेपोरेशन ही है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, कि अगर कभी क्या होता है कि केवल एक मेथड ही सफिशिएंट नहीं होती, कि हमें 2 या 2 से अधिक चीज़ें अगर किसी जगह पर घुली हुई हैं, तो उनको अलग अलग करने के लिए हमें 2 या 2 से अधिक मेथड ऑफ सेपरेशन का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, आप देख रहे होंगे, सैंड एंड सॉल्ट मिक्सचर, कि सैंड यानी कि रेत, सॉल्ट नमक, अगर पानी में घुल गया है, पानी में नमक भी घुल गया है और पानी में क्या घुल गया है, सैंड, रेत भी घुल गई है, तो इन तीनों चीज़ों को अलग अलग करने के लिए हमें अब एक ही मेथड सफिशिएंट नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे हमें 2 या 2 से अधिक मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा, कि पानी से पहले हमको सैंड अलग करनी पड़ेगी, फिर सॉल्ट अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मिक्सचर है सैंड, सॉल्ट और वाटर का, इसको हमें एक बीकर में डाल करके थोड़े समय के लिए छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़े समय के लिए जब हम इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, जो सैंड है वो सेटल डाउन हो जाएगी बॉटम में, बीकर के तले में, पेंदे में रेत जमा हो जाएगी। ठीक है, और इसको डिकेंटेशन प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन के द्वारा हम अलग कर लेंगे। डिकेंटेशन मैंने आपको बताया है पहले, फिल्ट्रेशन भी मैंने आपको बताया है ना, तो फिल्टर करके हम अलग कर सकते हैं, डिकेंटेशन के द्वारा हम वाटर को अलग सेपरेट कर लेंगे और सेंड अलग हो जाएगी। तो अब जो वाटर ये सेपरेट हुआ, ये केवल वाटर नहीं है, केवल पानी नहीं है, इस पानी में क्या घुला हुआ है, नमक घुला हुआ है। ठीक है, तो अब पानी से नमक अलग करने की मेथड तो आपको पता है क्या है, उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। अब इस पानी को हम बॉईल करेंगे, इतना बॉईल करेंगे कि इसकी भाप बन के, वेपर बन के ये पानी उड़ जाए और इस बीकर के पैंदे में सॉल्ट रह जाए। ठीक है ना बच्चों, तो इस प्रोसेस में जब सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर वाटर से हमको अलग करना था, तो हमने 2 या 3 मेथड्स यूज़ की, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, इवेपोरेशन, है ना बच्चों। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।